एटलीस्ट हमने 15 साल लालू जी को भी देखा है, 15 साल नीतीश कुमार जी को भी देखा है, बीजेपी को भी साथ में उनके देखा है। हम बिहारी कहीं भी अपने आप को सम्मानित या फिर सेटिस्फाइड नहीं है। हम कहीं ना कहीं हम लोग बेरोजगार, बेरोजगारी की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं ये चाहता हूं कि कोई ऐसे कैंडिडेट नहीं आए जो जनता को बरगला करके और एक नया 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 चेहरा, नई नई एक एक लालची दुनिया दिखा करके और इस सीट पर बैठ जाए और फिर से वही हो जो पहले से होता आ रहा है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आज मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कुढ़न्नी प्रखंड अंतर्गत तुर्की में जो है कार्यक्रम था, तिरहुत स्नातक क्षेत्र में उपचुनाव है ना, इसके लेकर जो है बड़ी बैठक की गई है। इसमें बता दें कि जो दावेदार है वो सभी दावेदार जो है आज की बैठक पहुंचे हुए थे। इस दौरान जो है डॉक्टर विनायक गौतम जो मुजफ्फरपुर से है और उन्होंने भी अपनी दावेदारी को पेश किया है, वो भी आज पहुंचे हुए थे। क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर विनायक गौतम, उनसे हमने बातचीत की है, पहले वो सुनिए। क्या नाम पर चर्चा हुई है और क्या कहेंगे एमएलसी चुनाव के लिए आप भी प्रत्याशित उम्मीदवार? सभी लोग खाना खाकर जाएंगे, सभी लोगों के लिए खाना की व्यवस्था है, खाना खाकर जाएंगे और जिन साथियों का नाम नहीं जोड़ा गया उन्हें समाप्त करने का वादा करता हूँ। क्योंकि प्रशांत किशोर जी के टीम में एटलीस्ट हमने 15 साल लालू जी को भी देखा है, 15 साल नीतीश कुमार जी को भी देखा है, बीजेपी को भी साथ में उनके देखा है। हम बिहारी कहीं भी अपने आप को सम्मानित या फिर सेटिस्फाइड नहीं है। हम कहीं ना कहीं हम लोग बेरोजगार, बेरोजगारी की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं, चिकित्सा की समस्या है, अच्छी शिक्षा की समस्या है। तो हम लोग डेफिनेटली 30 साल पहले सोचे थे कि शायद कुछ नया चेंज होगा, चेंज, लेकिन हर बार हमें ठगा गया। तो हम भी उसी तलाश में यहाँ आए हैं और हम भी चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी के जैसा एक अच्छा नेतृत्व हमें, हमारे बिहार को मिले, ताकि हमारा बिहार फिर से पुराने समय की तरह से गौरव हमारा फिर से वापस आ सके। आप भी दावेदार है, कहीं ना कहीं अभी तक घुसना नहीं हुआ, 2 सितंबर को कई सारे और नाम है, 2 सितंबर को जो ये एक्चुअली में प्रशांत किशोर जी ने जो क्लियर किया, तो ये बिहार की जनता, बिहार के स्नातक अब डिसाइड करेंगे कि कौन कौन प्रतिनिधि बनेगा। ये बहुत अच्छी बात है। इससे पहले होता था कि हर पार्टी अपना एक नाम चुनकर लेती थी, चाहे वो जो भी जिस तरह से हो, जो जिस प्रक्रिया से हो, लेकिन इस बार एक संवैधानिक रूप से एक टीम गठन किया गया और वो टीम ऐसे ही नहीं डिक्लेयर कर रही है, वो पहले सर्वे ये एक महीना देखेगी कौन वोट बना रहे हैं। और वोट बनाने से भी नहीं होता है, हो सकता है कि कोई कहीं से कोई कॉपी ले आए, मान लीजिए मैं बनवा रहा हूँ और वो वहाँ से इकट्ठा कर ले, या मैं किन्हीं का इकट्ठा कर लूँ, तो ऐसे इकट्ठा नहीं होगा। वो जो सारा का सारा नंबर, मोबाइल नंबर आएगा, उन पर प्रशांत किशोर जी की टीम फोन करेगी और उनसे पूछेगी, उन जनता से पूछेगी कि जनता किनके साथ में है। तो मुझे विश्वास है बाकी जनता के हाथ में। बड़ी पार्टियां होंगी, क्या लगता है आपको बड़ी पार्टियों के सामने पार्टियां आज नई पार्टी है बनेगी? मेरे अनुसार से जनता जिसको सर पे बिठा ले वही सबसे बड़ी पार्टी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनसे अच्छा नेतृत्व बिहार को न मिला है न मिल सकता है। जैसे सेंट्रल लेवल पे एक समय में हम लोगों ने मोदी जी को देखा है, हम लोगों ने योगी जी को यूपी में देखा है, हम सारे बिहारी हम ऐसे ही एक नेता का हम इंतजार कर रहे थे जो सारे बिहारियों को लेकर के एक साथ में चले। जो बातें चल रही थी कि कुछ ऊपर नीचे या फिर मतलब ये बी टीम है, ये वो सारी चर्चाएं, आज के डेट में जो सारे समाज के लोग हैं उनका समर्थन मिल रहा है प्रशांत किशोर जी, तो इसे डिक्लेयर है कि सारे समाज इनके साथ में है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपके पिताजी भी मेंशन थे, अगर आपको समर्थन नहीं मिला तो फिर आप क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? मैं तो पिछली बार भी नहीं लड़ा था, इससे पहले मुझे 2014 में मुझे ही बोला गया था, बीजेपी के द्वारा मुझे बोला गया था कि एमएलसी का इलेक्शन लड़ने के लिए, मुझे कोई इच्छा नहीं थी। आज भी मुझे इस पद से कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलने वाला है, सिवाय इसके कि मैं ऐसे महान व्यक्तित्व के साथ में जुड़ना चाहता हूँ। अदरवाइज अगर लड़ना होता 2020 में मैं लड़ सकता था, और उससे पहले 2014 में जो एकदम सुशील मोदी जी ने मुझे ही बोला था कि पिताजी के जगह में आप लड़ो, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, पिताजी राजनीतिक हैं, उनको लड़ने का मौका दिया जाए, मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ, अच्छा डॉक्टर ही करूँगा, अभी मेरा समय नहीं आया। 20 साल प्रैक्टिस हो गया, मुझे लगता है कि अब मैं इतना परिपक्व हो चुका हूँ कि इस फील्ड में भी अपनी ईमानदारी को प्रदर्शित कर सकूँ, और मैंने 20 साल में अपने आप को लगातार अपने आप को स्थापित किया है, अपने इच्छा शक्ति से, अपने किसी फादर या नाना जी के नाम से, स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी के नाम से पेशेंट नहीं मेरे पास में आ रहा है, उन्हीं के बदौलत मैं हूँ, उन्हीं का अंग हूँ मैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्हीं का अंग हूँ और उन्हीं का अंग रहूँगा, लेकिन उनके बदौलत मेरे पास में मरीज नहीं है, ना ही मेरे पिताजी के बदौलत मेरे पास में है,
या फिर मेरे मामू अमर पांडे जी हुए, उनके द्वारा उनका नाम है मेरे साथ में, डीएनए है, वो हमेशा रहेंगे साथ में। लोगों ने क्वेश्चन किया है कि राजनीतिक विरासत मुझे मिल रही है, मुझे तो कोई विरासत नहीं मिली। मैं तो जब आया हूँ उस समय से मेरे पिताजी हारे हुए हैं। मैं 2004 में मुजफ्फरपुर में आया, मैं 2004 तक पीजीआई चंडीगढ़ में था, तो मेरा आगमन ही हुआ है मेरे पिताजी के राजनीतिक पतन के बाद में। मेरे पिताजी का राजनीतिक पतन 2002 में हो चुका था। मैंने एक निष्ठावान पुत्र की तरह से उनको स्थान पिलाने का पूरा कोशिश किया, नहीं ला पाया। मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसे कैंडिडेट नहीं आए जो जनता को बरगला करके और एक नया चेहरा, नई नई एक लालची दुनिया दिखा करके और इस सीट पर बैठ जाए और फिर से वही हो जो पहले से होता आ रहा है। प्रशांत किशोर जी के अंदर में ये क्षमता है कि उन सब के बीच में से वो एक अच्छा सदस्य चुनेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये जनता चुन रही है, जनता हर जनता को मोबाइल नंबर आएगा, अभी उनके पास फोन जाएगा, क्या आप किस कैंडिडेट को पसंद करते हो, देखा जाएगा चार में से जो भी अच्छे कैंडिडेट होंगे उनको मिलेगा, इनको मिलेगा, आप समर्थन करेंगे। ऑब्वियसली मैं तो जैसे मोदी जी, एक समय में मोदी जी का भाषण बहुत अच्छा लगता था, बोलते थे कि मैं झोला पकड़ के मैं वापस चला जाऊंगा, तो मैं भी झोला यानी कि डॉक्टरी का अपना डॉक्टरी वाला पकड़ूंगा और मैं डॉक्टरी करूंगा, वहां पे भी समाज सेवा करता रहूं, जब तक मरूंगा, जब तक मरूंगा तब तक सेवा करूंगा, इधर मिले उधर मिले, सेवा तो मेरे खून में है। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे डॉक्टर विनायक गौतम, जो मुजफ्फरपुर से है और तिरहुत स्नातक क्षेत्र में उन्होंने बीते दिन ही अपनी दावेदारी को पेश किया। हालांकि उनका ये भी कहना है कि हम लोग जनसुराज के साथ है, प्रशांत किशोर के साथ है, और प्रशांत किशोर और जनसुराज की द्वारा जो भी उम्मीदवार होगा उनके हम लोग साथ रहेंगे, चाहे जो जनसुराज के लोग हैं या फिर जो जनता है तिरहुत स्नातक से, अगर हम लोगों पर अगर भरोसा जताएगी तो हम चुनाव अवश्य लड़ेंगे। अगर किसी और जो हमसे भी अगर बेहतर उम्मीदवार हो, अगर उसके तरफ भी अगर भरोसा लोग जताते हैं तो हम लोग समर्थन भी करेंगे। हालांकि ये भी बात जो है डॉक्टर विनायक गौतम ने कहा है, लेकिन अब देखना होगा कि 2 सितंबर को जो है घोषणा होगा कि कौन उम्मीदवार जो है जन सुराज की तरफ से होगा और कौन चुनाव जो है जन सुराज के जो समर्पित उम्मीदवार होगा, किसको जो है उम्मीदवारी मिलेगी और किसकी नाम की घोषणा होगी, वो तो 2 सितंबर को ही पता चल पाएगा। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ, आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।